हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से केक की रेसिपी लेके आई हूँ। मुझे ना केक का ऑर्डर आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर दिया जाए। वैसे तो मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक आपको पहले बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन इस केक को जो है मैं थोड़ा सा डेकोरेशन डिफरेंट करूँगी, और इसकी टॉपिंग जो अंदर करेंगे ना वो फ्रूट कॉकटेल की होगी। पहले मैंने आपको रियल ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना सिखाया था विथ चेरीज फिलिंग, तो ये वाला केक डिफरेंट थोड़ा होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको केक बनाना सिखाऊंगी। तो ये आसान सा चॉकलेट केक बनाने के लिए जो है मैं इसकी सबसे पहले बेस तैयार करूँगी, यानी कि स्पॉन्ज तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का बाउल लिया, इसके अंदर मैंने 4 अदद अंडे डाल लिए। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अगर आपके पास जो अंडे वो ठंडे हैं, मतलब फ्रिज में पड़े हैं, तो आप बाहर निकाल के रख लें, 15-20 मिनट तक अंडे रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 अदद अंडे बड़े साइज के लेके मैंने बाउल में डाल लिए। जर्दियाँ और सफेदियाँ अदा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब इसके अंदर जो है 1/2 कप चीनी जाएगी, मेजरिंग कप का आपने इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, रेगुलर शुगर आपने इस्तेमाल करनी है। देखिए, दानेदार चीनी है जो आम घरों में इस्तेमाल होती है, पिसी हुई चीनी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो केक ख़राब हो जाएगा, तो आपने पिसी हुई चीनी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी। सिर्फ ये 2 चीज़ें डाल के मैं इसे जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है इससे बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं। हैंड बीटर से आपको आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर से इसे 8 से 9 मिनट के लिए बीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने पूरे 9 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ों को बीट के इस तरह से अंडे साइज में ट्रिपल हो गए, आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्म में आ गए हैं। अभी इसमें मैंने वनीला आइसेंस या चॉकलेट आइसेंस कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ 2 चीज़ें ही थी, अंडे और चीनी। इस तरह जब हो जाए तब आपने इसे बीट करना बंद कर देना है। अब इसके अंदर हम चॉकलेट आइसेंस डालेंगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 टीस्पून चॉकलेट आइसेंस डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि अंडों की जो स्मेल है ना वो केक से बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अगर आपके पास चॉकलेट आइसेंस नहीं है फिर आप वनीला आइसेंस डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि चॉकलेट आइसेंस डालें, फिर ये इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब ये डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने इसके अंदर जो है चॉकलेट आइसेंस को भी अच्छे से मिक्स कर लिया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस पॉइंट पर, अंडों की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे जो है इसके अंदर आपने ऑयल या मक्खन बटर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, ये ऑयल फ्री केक बनता है। जो रियल स्पॉन्ज होता है ना वो ऑयल के बगैर बनता है, ठीक है। इसमें ऑयल ऐड नहीं होगा, ना ऑयल ऐड होगा ना घी इस्तेमाल होगा कोई भी। इसके अंदर अब आपने वेट इंग्रीडियंट नहीं डालना, मिल्क या फिर वाटर आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। बस ये 2-3 चीज़ें ही आपने इस तरह बीट करनी है। अब इसके अंदर ड्राई इंग्रीडियंट्स जाएंगे। 3 हमने इसके अंदर ये पहले ऐड किया, यानी शुगर, एग्स एंड चॉकलेट आइसेंस ये। अब नेक्स्ट हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो भी 3 ही हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या इसमें ऐड होगा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम छान कर डालेंगे इस तरह की, मैंने एक छन्नी ली है। इसके अंदर अब जो है 10 टेबलस्पून मैदा जाएगा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है। यानी कि 10 खाने का चम्मच मैदा, 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, ये मीठा सोडा नहीं है बेकिंग पाउडर है, और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, ये चॉकलेट पाउडर होता है जो केक्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। 2 खाने के चम्मच ये 3 ड्राई इंग्रीडियंट्स चाहेंगे। अब ये इसमें छानती हूँ मैं और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसके अंदर सारे ड्राई इंग्रीडियंट्स डाल दिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपने जो है मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल करना है, जो बेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं वो आपको मार्केट से मिल जाएंगे। आपने जो है आम चम्मच से नहीं मेजर करना, जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे, मेजरिंग स्पून से इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह से थोड़ा सा पहले मिक्स कर देंगे ताकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स उड़े नहीं, और फिर मैं इसको लो स्पीड पर बीट कर लूँगी 15 सेकेंड के लिए। तो ये देखिए आपके सामने मैंने इसे बस थोड़ा सा बीट किया, आपने ज़्यादा बीट नहीं करना और बिल्कुल लो स्पीड पर। अगर आप हैंड बीटर से बना रहे हो तो उससे भी बस आपने एक ही डायरेक्शन में इसमें थोड़ा सा मिक्स करना है, ठीक है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया, सारे को इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, ये देखें, ताकि जो मिक्सचर जरा वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इतना सा इसे मैं मिक्स किया, इतना ही आपने करना है, ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, और लाइट वेट सा बैटर हमारा तैयार हुआ है। बस इसे ओवर मिक्स करेंगे तो बैटर बैठ जाएगा और केक सख्त बनेगा, ठीक है। इस टिप को लाजमी फॉलो कीजिएगा। अब हम मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मैंने 7 इंच का मोल्ड लिया, यानी केक का सांचा लिया स्क्वेयर साइज में, क्योंकि मुझे स्क्वेयर चाहिए। आप अगर राउंड में बनाना चाहते हैं राउंड में बना लें। इसके अंदर 1 टीस्पून
ऑयल डाल के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये इसलिए करते हैं ताकि जो है केक इजीली मोल्ड से बाहर निकल जाए। तो मैं इसकी सारी साइड्स को ग्रीस करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब इसके ऊपर ये पेपर लगाऊंगी, रजिस्टर का कागज़ है, आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और ये देखिए इसी साइज में मैंने कट करके रखा हुआ था, इसी के ऊपर जो है मैं ऑयल लगा दूंगी थोड़ा सा, 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मोल्ड बिल्कुल तैयार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने ग्रीस करना है। ये अब हम इसके अंदर सारा बैटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बैटर बना है। इस तरह से आपने फ़ौरन से मोल्ड को ग्रीस करना है और सारा बैटर डाल देना है, वरना जो है ये मोल्ड बैटर ख़राब हो जाएगा। देखिए मैंने सारा बैटर मोल्ड में डाल दिया। इसको इस तरह से टैप टैप करेंगे। देखिए एयर बबल्स है वो ख़त्म हो गए हैं। अब इसको मैं बेकिंग की टाइमिंग आपको बता देती हूँ। इससे जो है आपने 22 से 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पतीले में बेक करना है, यानी कि विदाउट ओवन हम बना रहे हैं तो पतीले में बनेगा। आप कुकर में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसे बेक करती हूँ और पतीला 10 मिनट के लिए आपने पहले ही प्रीहीट कर लेना है। अगर आपको पतीले में केक बेक करना नहीं आता, उसके बारे में मेरी वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब मैं इसे बेक करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो जब तक जो है हमारा केक बेक होता है, हम शुगर सिरप बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप फुल गर्म पानी लिया है, यानी उबलता हुआ पानी लेना है, हॉट वाटर। इसके अंदर 1/2 कप चीनी जाएगी। ये देखिए रेगुलर शुगर है, आप पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस ये दो चीज़ों को आपने इतने अच्छे से मिक्स करना है कि चीनी इसमें अच्छे से हल हो जाए। फुल गर्म पानी होगा तो चीनी जल्दी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो देखिए इसके अंदर शुगर अच्छे से डिजोल्व हो गई, यानी कि चीनी हल हो गई और ये शुगर सिरप हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको साइड पर रख देंगे। तब तक इसका जो गर्म पानी मतलब हमने डाला था ना, ये ठंडा भी हो जाएगा और केक बेक होने में भी सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया और वो बेक होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो केक बेक होकर आ चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त केक राइज हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, आप लोग देख सकते हैं। अभी अभी मैं इसको निकाल के लाई हूँ पतीले से। तो अब इसकी साइड्स को आपने इस तरह से नाइफ से बहुत आहिस्ता आहिस्ता अलहदा करना है, एहतियात से। अगर आप ज़ोर ज़ोर से ज्यादा करेंगे तो ये केक के ऊपर भी लग सकते हैं और फिर साइड्स उसकी खराब हो जाएंगी। तो आपने आहिस्ता से इस पॉइंट पे इसको अलहदा करना है और आपने जो है इस केक को फुल ठंडा करना है, फिर कट करना है। मुझे यहाँ पे जरा जल्दी है क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है और फिर इसको जो है डेकोरेट वगैरह करना है तो टाइम लगेगा। इसलिए जो है मैं इसको गर्म गर्म केक को ही कट कर लूंगी। मेरी जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस है क्योंकि अगर आप ऐसी कट कर लेंगे आपका हाथ भी जल सकता है। तो बस इस तरह से इसकी साइड्स को मैंने अलहदा की है और मैं इसको निकालूंगी। आपने फुल ठंडा करके मोल्ड से बाहर निकालना, वरना केक भी टूट सकता है। यहाँ पे मैं केक को मोल्ड से बाहर निकाल लेती हूँ। अभी गर्म है इसलिए मैंने कपड़ा लिया ताकि हाथ पे ना लगे केक। तो ये देखिए कितनी इजीली मोल्ड से बाहर निकल गया और बिल्कुल भी साथ नहीं लगा। अब इसका पेपर उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त केक बेक हुआ है। ये देखें इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट है, साइड से भी बिल्कुल इक्वल है। ज़बरदस्त स्पॉन्ज बना, इस तरीके से स्पॉन्ज बनाएंगे इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैं इसे जो है इस तरह टर्न टेबल स्टैंड पर रख दूँगी। ये देखें ज़बरदस्त सेम वैसा ही जैसा आपको मार्केट से केक मिलता है, इसका वैसा ही बेस तैयार हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मैं केक को कट कर रही हूँ। आपने जो है गर्म केक कट नहीं करना वरना टूट सकता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात कह दूँ कि अगर आप जैसा बेकरी में केक मिलता है ना, बिल्कुल ब्रीक सी केक ही ले रहे होते हैं, ऊपर क्रीम ज़्यादा होती है, उस तरह का केक बनाना चाहते हैं तो आपने इसको 3 पार्ट्स में मतलब इसके 3 लेयर्स कट करनी है। ये देखें इसकी इतनी मोटाई है कि आप इसे 3 में कट कर सकते हैं और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे 3 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 लेयर्स केक बना रही हूँ तो मैं सिर्फ इसे 2 लेयर्स में कट करूँगी। हल्का सा स्पॉन्ज पर आपने हाथ रखना और जो केक की नाइफ है ना उसे एक ही डायरेक्शन में चलाना है। तो मैं इसे कट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने आपके सामने इसको कट किया। आप लोग ने ये नोट की होगी बात कि मैंने इस तरह से जब कट किया ना इसके एंड पे हाथ रखा, ये इसलिए ताकि केक टूटे नहीं। अगर आप हाथ नहीं रखेंगे तो केक टूट सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। अब मैं आपको इसकी लेयर चेक कराती हूँ। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। इसकी सॉफ्टनेस चेक करें आप। मैं आपको ये कट करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं किसी के लिए ऑर्डर पे केक बना रही हूँ। नेबर्स में हमें किसी ने कहा था बना दे, मैं वैसे बनाती नहीं हूँ लेकिन किसी ने कहा था इसलिए मैं बना रही हूँ, तो ये मैं कट नहीं कर सकती। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस, ठीक है। अब ज़रा इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जी केक की लेयर्स जो हैं वो भी ठंडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर शुगर सिरप अप्लाई करेंगे जो हमने बनाया था। तो मैं इसके ऊपर शुगर सिरप लगाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छे से आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, कोई भी जगह ड्राई नहीं रहनी चाहिए।
तो देखिए मैंने जो है इसके ऊपर शुगर सिरप अच्छे से अप्लाई कर दिया, फिंगर से चेक कर लेके हर जगह पे लग गया। तो देखिए हर साइड पे अच्छे से मैंने शुगर सिरप लगा दी है। अब हम क्रीम व्हिप्ड करेंगे, तो क्रीम व्हिप्ड करना सिखाऊंगी मैं आपको। अब ये तैयार है, इसको साइड पे कर दें। तो जी अब हम क्रीम व्हिप्ड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, इसके अंदर मैं 2 कप व्हिपिंग क्रीम डालूंगी। जो हम केक बना रहे हैं इसके लिए हमें ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मेरे पास क्रीम है ना, यहाँ पे मैंने फुल जो है बर्फ़ बनी हुई नहीं ली। गर्मियों में हमें जो है फुल बर्फ़ बनी हुई क्रीम चाहिए होती है, क्योंकि गर्मियों में बहुत जल्दी मेल्ट होती है। सर्दियों में लिक्विड फॉर्म में होगी क्रीम, फुल ठंडी होगी लेकिन लिक्विड फॉर्म में होगी, यानी कि फ्रिज में पड़ी हुई क्रीम चाहिए, फ्रीज़र में पड़ी हुई नहीं चाहिए। तो 2 कप क्रीम चाहिए हमें, फुल ठंडी होनी चाहिए। सर्दियों की यही टिप है, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है, फिर ही क्रीम अच्छी व्हिप्ड होगी। और ये व्हिपिंग क्रीम होती है देखिए पाकिस्तान में कुछ इस तरह की मिलती है, ये काफ़ी अच्छी होती है, यही मैं यूज़ करती हूँ। तो ये अच्छी होती है क्वालिटी वाइज भी, तो आप भी जरूर कोशिश करें यही यूज़ करें, और पर्स वगैरह की यूज़ ना करें, वो डिज़र्ट्स के लिए होती है। ठीक है, तो 2 कप हमें क्रीम चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं क्रीम को व्हिप्ड करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट करेंगे हम लोग फुल हाई स्पीड पर, 5 से 8 मिनट में ये बीट हो जाएगी। तो अब मैं इसे बीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने क्रीम व्हिप्ड कर ली है, देखिए इस फॉर्म में जब आ जाए तब आपने इसे बीट करना बंद कर देना है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरी, इस तरह की जब हो जाए तब आपने इसे बीट करना बंद कर देना। आप लोग देख सकते हैं क्रीम अच्छे से व्हिप्ड है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हैं, अगर क्रीम को चॉकलेट में बनाना चाहते हैं। जो ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है इसकी क्रीम वाइट होती है और बेस चॉकलेट में होती है, यानी स्पॉन्ज चॉकलेट होता है, तो इसलिए मैं इसको वाइट ही रखूँगी, इसमें कोई चॉकलेट नहीं डालूंगी। तो अब ये क्रीम भी तैयार है। तो अब हम केक की जो है आइसिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैंने केक का टर्न टेबल स्टैंड लिया है, इसके ऊपर जो है मैंने इस तरह से साइड्स पे कागज़ रखे हैं ताकि जब हम डेकोरेशन करें जो भी क्रीम वगैरह गिरे ना वो कागज़ पे गिरे, ये जो हमारा बोर्ड है ना, मतलब ये जो केक का स्टैंड है वो ख़राब ना हो। ठीक है, इस तरह से बटर पेपर आप साइड्स पर लगा लें या फिर ये कागज़ लगा लें। अब इसके दरमियान में मैं थोड़ी सी क्रीम लगाऊंगी, व्हिपिंग क्रीम जो हमने व्हिप की है, ये इसलिए लगाते हैं ताकि जब केक की बेस रखें तो वो स्टेबल रहे, यानी कि हिले नहीं, हिलेगी तो फिर वो केक सारा गिर जाएगा, ख़राब टूट जाएगा। तो बस इसके ऊपर बेस रखेंगे तो वो एक जगह पर रहेगी, तो केक अच्छे से हम उसकी आइसिंग कर सकेंगे। तो अब हम इसके ऊपर केक की बेस रखेंगे, जिस साइड पर शुगर सिरप अप्लाई किया था वो नीचे रखेंगे और जो ड्राई वाला पार्ट है वैसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर केक की बेस आपने रखते नहीं है, और इसको थोड़ा हल्के हल्के हाथों से दबा देना ताकि जो है ये हिले नहीं। जो ड्राई वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर हम शुगर सिरप अप्लाई कर देंगे। ये इसलिए मैं 2 दफ़ा लगाती हूँ ताकि केक जो है मॉइस्ट एंड सॉफ्ट रहे। अगर आप इसे 3-4 दिन के लिए स्टोर भी करेंगे ना, तब भी जाके ये वैसे ही रहेगा जैसा फ्रेश केक होता है ना। अक्सर जब आप मार्केट से केक लाते हैं तो कुछ जो है वो अच्छे फ्रेश नहीं होते, वो ड्राई से हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उस पर अच्छे से शुगर सिरप अप्लाई नहीं होता। तो अगर आप अच्छे से अप्लाई करेंगे तो केक मॉइस्ट ही रहेगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इस पर शुगर सिरप अप्लाई किया है। अब इसके ऊपर जो है क्रीम की एक लेयर लगेगी, इस तरह की जो नाइफ होती है, पैलेट नाइफ या स्पैचुला कह लें, इस पर मैं इससे मैं क्रीम लगाऊंगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, जो आम नाइफ होती है ना आप उससे भी इस पर क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रीम की एक इस पर अच्छी खासी लेयर लगेगी, क्योंकि जो ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है इस पर क्रीम ज़्यादा लगती है। तो अब इसके ऊपर मैं क्रीम इतनी लगा के इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। ये देखें इस तरह से आपने क्रीम को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देना है, फैला देना है, हर इक्वल करना है। मतलब आपने ये नहीं कि कहीं से क्रीम ऊपर है कहीं से नीचे, ऐसे नहीं होना चाहिए, अच्छे से आपने इसको सेट करना है। मैं इसे सेट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसके ऊपर अच्छे से क्रीम सेट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है मैं फ्रूट कॉकटेल की टॉपिंग कर रही हूँ। ये जो ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है ना, इसमें 3 किस्म की टॉपिंग होती है। एक होती है चॉको चिप की टॉपिंग, और एक होती है चेरीज की टॉपिंग, और एक होती है इसकी फ्रूट कॉकटेल की टॉपिंग। तो मैं इसकी कर रही हूँ। तो ये देखिए आपने जो है अच्छी खासी इसकी मकदार लेनी है, यानी क्वान्टिटी इसकी ज़्यादा लेनी है, और इसको अच्छे से इस पर अप्लाई करना है, क्योंकि ये हम 2 लेयर्स केक बना रहे हैं, तो इसमें आपने ज़्यादा लेयर लगानी है। अगर आप 3 लेयर्स लगाएंगे तो उस पर फिर जो है आपने डिवाइड करके इसको लगाना है। तो मैं इसके ऊपर ये फ्रूट केक कॉकटेल की लेयर लगा रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अगर आप ये फ्रूट कॉकटेल आपके पास नहीं है, आप सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट इसी तरह अच्छा लगता है फ्रूट कॉकटेल के साथ। तो ये मैं सारी इस पर लगाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसके ऊपर जो है अच्छे से सेट कर दिया, इसको अच्छे से आपने ज़रा इस तरह से हल्का हल्का दबा देना है,
ताकि जो है इसके ऊपर सेट हो जाए। और यहाँ पे एक बात के जो इस टिन में जूस होता है ना वो नहीं आपने डालना, वरना ये सारी क्रीम ख़राब हो जाएगी। वो जूस आपने निकालना है फिर ये अप्लाई करना है। देखिए इसका कितना साइड्स पे लगाने का फ़ायदा हो रहा है, जितनी भी चीज़ें गिरी हैं इसी पर गिरी हैं। फिर हम ये कागज़ इस तरह आहिस्ता से निकाल लेंगे इसमें से। तो अब मैं इसके ऊपर जो है टॉप दोबारा से वो दूसरी लेयर रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मैं इसके ऊपर सेकेंड लेयर रखूँगी केक की, जिस साइड पर ये देखिए शुगर सिरप अप्लाई किया है वो आपने इसके ऊपर रखनी है, और जो ड्राई वाला पार्ट है ना वो आपने नीचे रखना है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ये रखती हूँ और फिर आपको ये देखिए इस तरह से, ये देखिए जी बिल्कुल साइड से भी क्वल आ रही है। आप लोगों ने ये देखना है और हल्का सा इसे प्रेस करना है, ज़ोर से प्रेस नहीं करना वरना साइड से क्रीम निकल जाएगी। बहुत हल्के हल्के हाथों से इसे देखते हुए कि साइड से इक्वल आ रहा है, इक्वल है, तो ये देखिए जी साइड से इक्वल है, बस इस तरह से होना चाहिए। तो देखिए कितना आसान है केक बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर भी आइसिंग करते हैं, तो अब इसके ऊपर भी हम क्रीम लगाते हैं। तो ये देखिए सर्दियाँ हैं ना, तो क्रीम वैसे की वैसी है जैसी हमने व्हिप की थी। गर्मियों में जो है बहुत जल्दी हमें करनी पड़ती है फ्रॉस्टिंग, क्योंकि पिघल जाती है गर्मियों में ना, इतनी नहीं पिघलती लेकिन बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट सी हो जाती है, इस तरह की नहीं रहती। तो ये इसका सर्दियों में ज़रा फ़ायदा होता है। तो बस अब इसको जो है हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर भी सेट कर लेंगे, जिस तरह मैं नीचे किया है ना उसी तरह से सेट करेंगे इसे। ऊपर की तरफ ज़रा ज़्यादा मिकदार लगेगी क्रीम की, ज़्यादा क्रीम लगेगी। तो मैं इसे सेट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको ऊपर से अच्छे से सेट कर दिया, ये देखिए इसको इस तरह से हम सेट करते हैं ना तो इस साइड्स पे क्रीम आ जाती है। अब आपने क्या करना है, इसकी क्रम कोटिंग करनी है, मतलब साइड्स पे क्रीम थोड़ी सी लेनी है और इसको ऐसे सेट कर देना है। ये देखें ये जो क्रीम होगी ना इसी को आपने जो है इस तरह से सेट करना है, इस तरह से। तो मैं इसे सेट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ, साइड्स को ऐसे कवर कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे जो है मैंने क्रीम को अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि क्रीम को ये जो केक है ना इसको फ्रिज में रखना है, और ये जो बाकी की क्रीम बच गई है ना ये वाली, इसको हमने पाइपिंग बैग में फिल कर देना है इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ, उसे पाइपिंग बैग में फिल करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं केक को फ्रिज से निकाल कर ले आई हूँ, और अब इसके ऊपर जो हम डेकोरेशन करेंगे और पाइपिंग बैग में भी मैंने जो है ये फिल कर ली है क्रीम। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक ही नोज़ल से डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी, इस नोज़ल का कोई नंबर नहीं है, जो पैकिंग में होते हैं ना नोज़ल ये वो है। तो इसको एक ही नोज़ल से मैं इसकी साइड्स को भी कवर कर दूंगी और इसे ऊपर से भी कवर करूंगी। ठीक है, आप जैसे भी डिज़ाइनिंग करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नई डिज़ाइनिंग करना चाहते वो भी ठीक है, आप सिंपल डार्क चॉकलेट को ऊपर ग्रेट करके डाल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप इसकी डेकोरेशन करें। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से ये इसको डेकोर करूँगी, ये देखिए इतने मैं ड्रॉप लगाऊंगी, आप अपनी मर्ज़ी के भी लगा सकते हैं। तो अब मैं इसे डेकोरेट करती हूँ, फिर आप देखें वीडियो स्पीड में। तो ये देखिए मैंने इसको ऊपर से भी कवर कर दिया, अभी जो क्रीम बच गई है इसको जो है मैं साइड्स पे कवर कर दूंगी इससे, जैसे ये मैंने ऊपर ड्रॉप लगाई है इसी तरह ही मैं नीचे लगा दूंगी। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने जो है इसको अच्छे तरीके से सेट कर दिया है, साइड्स को भी कवर कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। अब जो है इसके ऊपर मैं चेरीज लगा रही हूँ, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक है इसके ऊपर चेरीज लगेंगी। तो ये देखिए जो ड्रॉप्स लगाए हैं ना इसके ऊपर जो है मैं इस तरह से चेरीज लगा दूंगी, थोड़ा सा आपने इस तरह से प्रेस कर देना। ठीक है, तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल तैयार है। अब तो इसको ज़रा सा चॉकलेट का हम टच देंगे, मतलब ये लगे कि चॉकलेट है, क्योंकि फुल क्रीम है ऊपर अंदर बेस है। तो हम इसको जो है ऊपर डार्क चॉकलेट को ग्रेट करके डालेंगे, साइड जो दरमियान में जगह है ना मैं इसमें डार्क चॉकलेट डालूंगी। अगर आप किसी की बर्थडे पे बना रहे हैं, किसी के लिए बना रहे हैं, अंदर आप उसमें नेम लिखना चाहते हैं, आप क्या करें साइड्स पर इन फ्लावर्स की जगह थोड़े थोड़े वो चॉकलेट ग्रेट की हुई डालें। मैं आपको पिक्चर भी नेक्स्ट शो कर दूँगी वीडियो के लास्ट पर, जिसमें मैंने बर्थडे केक बनाया था उसमें मैंने अंदर बर्थडे वाला नेम लिखा और साइड्स थोड़ी सी चॉकलेट लगा दी, ताकि पता चले कि ब्लैक फॉरेस्ट केक है यानी चॉकलेट केक है। ठीक है, और इसकी साइड से भी मैं जो है डार्क चॉकलेट थोड़ी थोड़ी डाल दूंगी, और अब मैं फिर वो डाल के फिर आपको दिखाऊंगी। मैंने इसकी साइड्स पे भी चॉकलेट लगा दी है, दरमियान में भी ग्रेट की हुई डार्क चॉकलेट लगा दी है। ये डार्क चॉकलेट मिलती है केक्स के लिए, वो वाली चॉकलेट नहीं है जो आम डेयरी मिल्क वगैरह होती है ना, ये वो नहीं है, ये यहाँ पे पाकिस्तान में क्रेव की मिलती है, वो ज़्यादा अच्छी है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। और अब ये जो हमने साइड पे वेपर लगाए थे ना, इसे बहुत एहतियात से आपने निकाल देना है, बहुत एहतियात से निकालिएगा, इतनी ज़ोर से ना खींचेगा वरना केक टूट सकता है। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया, मैं दूसरा भी निकाल लूँगी इसी तरह से, बड़े आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसे निकाल लें, ये देखें बहुत एहतियात से, क्योंकि केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये थर्ड,
ये देखें जी, इस तरीके से क्या होगा कि ये जो साइड है ना केक की, ये ख़राब नहीं होंगी, और ये जो केक का ये जो स्टैंड है ना साफ रहेगा। ठीक है, ये हमारा केक तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी आज की आसान सी ये केक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा। और ये 2 पाउंड का केक रेडी हुआ है, 2 पाउंड का केक बना है ये। 1 पाउंड का केक 2x से बनता है, और ये 4x का जो केक होता है ये 2 पाउंड का होता है। ठीक है, और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।